में बाधक बन रहे एक स्कूल और तीन मकान को गिराने का कार्य रविवार को प्रशासन ने शुरू कर दिया। भारी पुलिस फोर्स लेकर एयरपोर्ट पहुंचे एसडीएम अनुराग आर्य ने दीपा महर के नैनावती स्कूल भवन को गिरवा दिया। दीवान सिंह, शिव सिंह और गोविंद कसन्याल के मकानों को गिराने की कार्रवाई चल रही है। डीजीसीए ने स्कूल और तीन मकानों को उड़ान में बाधक बताते हुए इन्हें हटाने की सिफारिश की थी। इस मामले में एक मकान मालिक ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट भी दायर की थी। बाद में मकान मालिक द्वारा रिपोर्ट वापस लेने के बाद स्कूल और मकानों को गिराने का रास्ता साफ हो गया था। रविवार को पिथौरागढ़ के उप जिला अधिकारी अनुराग आर्य की अगुवाई में बेरीनाथ के उप जिला अधिकारी AK शुक्ला, नैनीताल के पुलिस क्षेत्राधिकारी NC पंत, तहसीलदार दिनेश कुटोला, जगदीश सहित भारी संख्या में पुलिस बल एयरपोर्ट पहुँचा। 2018 में लैंड एक्विजिशन एक्ट हुआ था, जिसके तहत एयरपोर्ट में कुछ भवन बाधक बन रहे थे, जिसमें एक माना नैनावती स्कूल भी था। तो माना नैनावती स्कूल और जो बाधक भवन बन रहे हैं एयरपोर्ट के में एयर सेवा के संचालन में, तो उनको एक्वायर किया गया है और उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अभी चल रही है। मकान को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। रविवार देर शाम तक स्कूल भवन गिरा दिया गया। तीन अन्य मकानों को भी गिराने का कार्य चल रहा है। इस दौरान क्षेत्र के ग्रामीणों ने मकान और स्कूल गिराए जाने का भारी विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि मकान गिराए जाने के बाद वे कहां जाएंगे। उप जिला अधिकारी अनुराग आर्य ने बताया कि जिन मकानों को गिराया जा रहा है उनमें से तीन लोगों को मुआवजा दे दिया गया है, एक को मुआवजा देने की कार्रवाई चल रही है। बता दें कि देर रात तक एयरपोर्ट के आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा। चंपावत जिले के सिद्ध बनी फुटलिंग मंदिर में 11 दिनी महाशिव महापुराण कथा को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। वृंदावन से आए कथावाचक अजय कृष्ण महाराज ने 9वें दिन शिव नारद की कहानी को बताया। उन्होंने कहा कि जिसके जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाता है उसे हर घड़ी आनंद आता है। इस संसार में आए हैं तो दुख और सुख सभी भोगना पड़ेगा। बता दें कि कथा सुनने के लिए झूलाघाट, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, खेतीखान, पाटी, देवीधुरा सहित आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग आ रहे हैं। पहली बार श्री फुटलिंग मंदिर समिति द्वारा कराए जा रहे शिव महापुराण में भक्त उत्साहित होकर नृत्य कर रहे हैं। पुराण का समापन 2 मई को पूर्णाहुति भंडारे के साथ किया जाएगा। मंदिर के महंत जमुनागिरी हरिशंकर महाराज और मुख्य जजमान गोविंद पंगरिया, अमरनाथ पंगरिया, बलदेव पंगरिया आदि ने क्षेत्र के लोगों से समापन के दिन भंडारे में आने की अपील की है। निचले बाजार में एक मानव सिर मिला है। सड़क निर्माण के लिए लाई गई गिट्टी को कुत्ता घसीट रहा था। कार्यवाहक थाना अध्यक्ष लोकराज जोशी ने बताया कि कुत्ते के बजरी के ढेर से सिर खींचने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल की घेराबंदी कर दी है। साथ ही जांच की जा रही है कि गिट्टी कहां से लाई गई। बताया कि टिप्पर में लाए गए गिट्टी में मानव सिर मिला है। स्थित ब्रिगेड कैंटीन में मदिरा लेने के लिए तड़के 3:30 बजे से पूर्व सैनिकों की लाइन लग गई। बताया जा रहा है कि इस माह आज ही मदिरा आई। रात 12 बजे तक कैंटीन से मदिरा का वितरण किया जाएगा। मदिरा लेने के लिए करीब 3,000 लोग पहुंचे हुए हैं। सुबह 4 बजे से ही लोग भूखे प्यासे मदिरा लेने का इंतजार कर रहे हैं। भगवान सिंह, शेर सिंह, गिरधर सिंह, गोपाल सिंह, धर्मेंद्र सिंह, हरीश धामी, हरक सिंह, गोविंद सिंह ने बताया कि पहले मैसेज आया था कि दिन में 1 बजे से मदिरा का वितरण होगा, लेकिन 4:45 बजे से वितरण कर रहे हैं। विभाग और पिथौरागढ़ एडवेंचर एकेडमी ने मिलकर माउंटेन बाइक रैली का आयोजन किया। ओपन वर्ग में मानस पांडे और जूनियर वर्ग
वर्ग में पार्थ शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहां वनाधिकारी जीवन मोहन दगाड़े, वीरेंद्र सिंह, मनीष भट्ट, मनोज पांडे, प्रकाश धामी, अजय शर्मा, अनिल मेहरा समेत वन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। खबरों को देखते रहने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अब खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में पढ़ने और देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।